हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे स्वाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड शेयर के बारे में। करंट प्राइस 1.33 एंड आज इसमें 4.72% का अपर सर्किट देखने को हमें मिला है। अभी GSM स्टेज 1 में है शेयर। आज ओपन हुआ था 1.21 तक एंड हाई गया था 1.33 तक। तो फ्रेंड्स, सीधा लोअर अपर सर्किट में लॉक हो गया है शेयर। 52 वीक हाई है इसका 3.92 एंड 52 वीक लो है 0.22। तो फ्रेंड्स, अभी मिड में मूव कर रहा है, अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। टर्नओवर कितना है कंपनी का, 10.75 लाख एंड मार्केट कैप है 15 करोड़ का। EPS है 0.04, PE है 35.79 एंड ROE पॉजिटिव है 3.25। सो फ्रेंड्स, T+1 सेटलमेंट कैटेगरी में आता है एंड सेक्टर है इसका डाइवर्सिफाइड कमर्शियल सर्विसेज। तो बात करेंगे कि क्या न्यूज़ है निकल के आई और आप क्या टारगेट्स लेके चलेंगे कल के लिए। सो पहले अनाउंसमेंट देखते हैं फ्रेंड्स, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। इसको ओपन कर लेते हैं सो दैट आप भी इजी लैंग्वेज में समझ सके कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज क्यों हुई है। सो फ्रेंड, ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है 1 जुलाई से नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, मतलब 3rd तक। और क्यों क्लोज हुई है ये भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने का रीज़न है कि इनका रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर का, नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। तो इन्होंने मेंशन किया है कि ट्रेडिंग विंडो फॉर ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी शैल रिमेन क्लोज फॉर डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज। तो आपको समझ आए, इनसाइडर ट्रेडिंग बंद है फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 1 जुलाई से बंद रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी इसका मिसयूज ना कर सके, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो अंदर के लोग होते हैं कंपनी के, उन्हें पता होता है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो वो शेयर्स पहले बाय करके रख लेंगे, तो इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग बंद होती है। अब रिजल्ट कब आएगा ये डेट अभी डिस्क्लोज नहीं की गई। ये डेट जैसे ही आएगी डेफिनेटली वीडियो बना के जरूर बताऊंगी, बट अभी डेट डिस्क्लोज नहीं है। तो फ्रेंड, ये इनके न्यूएस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे टारगेट्स की। तो फ्रेंड, आपको टारगेट लेके चलना है कल के लिए। 1.45 तक का टारगेट आप कंसिडर करके चलिए, जो आपको विद इन अ फ्यू डेज अचीव हो जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट में तो आप 1.20 का एक डाउन ट्रेंड टारगेट भी लेके चलिए फ्रेंड्स। बट चांसेस ज्यादा किसके हैं, तो चांसेस ज्यादा फ्रेंड्स 1.45 जाने के हैं। तो आपको 1.45 तक तो रुकना ही है शेयर में। प्रोमोटर्स होल्डिंग आप देख सकते हैं 22% के अराउंड है। आज 100% डिलीवरी उठाई गई है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी का। सो फ्रेंड्स, ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या आई थी बता दिया मैंने आपको, 100% डिलीवरी उठाई गई है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। थैंक यू।